भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 22 मार्च को किन्नरों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। व्यापार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सिंघल, कार्यकारिणी अध्यक्ष राजू भाई तथा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। खबर गति न्यूज से ब्यूरो चीफ मेरे सामने है डॉक्टर सिंघल। सर थोड़ा सिंघल जी बताइए अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में, आप जो सेवा कर रहे हैं इस वक्त, आज के दिन ये पूरी सेवा रहेगी आपकी। सर ये डॉक्टर सिंघल हैं, ये हजीरा व्यापार संघ में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है जी। हजीरा व्यापार संघ बहुत बड़ा संघ है जी, तक मैदान से लेकर कोटेश्वर मंदिर से लेकर चार शहर का नाका जी, बेड़ा नगर और तानसेन नगर जी, इसमें करीब 1750 दुकानें आती है जी। बहुत बड़ा संघ है, आए दिन कुछ न कुछ एक्टिविटी, कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं जी। जी कल उत्तर प्रदेश के अलावा चार राज्यों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई है, उसके उपलक्ष्य में आज गरीबों को निःशुल्क भोजन जी डॉक्टर सिंघल साहब की तरफ से दिया जी, गया है जी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जी राजू भाई भी जी, और उत्तर प्रदेश संघ के अध्यक्ष राजू गुप्ता जी भी है जी, अध्यक्ष देवीराम वर्मा जी, और उपाध्यक्ष डॉक्टर सिंघल, व्यापार संघ के डायरेक्टर पंडित हरिओ उपाध्याय जी, और राजू चौहान साहब जी जी, वो भी उपस्थित हुए जी। ये प्रोग्राम कराया, और एक और जानकारी दूं कि 22 रंगपंचमी वाले दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है हजीरे व्यापार संघ की तरफ से, जिसमें किन्नरों का सम्मान जी और जो अपने सफाई कर्मचारी है उनका सम्मान किया जाएगा, और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें करीब 3,000 से 4,000 मध्य प्रदेश से किन्नर समाज इकट्ठित होगा, और यह हजीरा चौराहे से लेके और किला गेट तक किन्नर समाज का एक होली मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें बड़े धूमधाम से ये प्रोग्राम हजीरा व्यापार संघ की तरफ से रखा गया है। पूर्व की होली के साथ साथ गुलाल की भी होली, और डीजे भी लगेगा, सब डांस करेंगे। बहुत शानदार सर, बढ़िया प्रोग्राम, बहुत शानदार ये कार्य सर आप जो कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।